आपका पहला सवाल है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी गुजरात में, डी हैदराबाद में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। आपका दूसरा सवाल है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी सिक्किम, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। आपका तीसरा सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। आपका चार नंबर सवाल है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? आपके ऑप्शन है एक दो लीटर, बी चार लीटर, सी छह लीटर, डी आठ लीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आठ लीटर। आपका पांच नंबर सवाल है, मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितना वर्ष सोने में बीता देता है? आपके ऑप्शन है ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 वर्ष। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। आपका सात नंबर सवाल है, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीक देश में, बी ईरान देश में, सी कोरिया देश में, डी अमेरिका देश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीक देश में। आपका आठ नंबर सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए कैंसर, बी रेबीज, सी चेचक, डी मलेरिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेबीज। आपका अगला सवाल है, कोलगेट किस देश की कंपनी है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। आपका 10 नंबर सवाल है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपके ऑप्शन है ए 206 हड्डियां, बी 208 हड्डियां, सी 306 हड्डियां, डी 300 हड्डियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 300 हड्डियां। दोस्तों, हम 10 प्रश्नों और उनके जवाब हल कर चुके हैं। आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? आपके ऑप्शन है ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 30,000। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000। आपका 12 नंबर सवाल है,
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? आपके ऑप्शन है ए नीम, बी आम, सी पीपल, डी बरगद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीपल। आपका 13 नंबर सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है ए गेहूं, बी गन्ना, सी मक्का, डी चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चावल। आपका 14 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी गुजरात में, डी कोलकाता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई में। आपका 15 नंबर सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए माउस को, बी सीपीयू को, सी कीबोर्ड को, डी मॉनिटर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीपीयू को। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका 16 नंबर सवाल है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? आपके ऑप्शन है ए सेब, बी कीवी, सी केला, डी अनार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कीवी। आपका 17 नंबर सवाल है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए सुगर, बी कैंसर, सी मोटापा, डी पथरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोटापा। आपका 18 नंबर सवाल है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए सुगर, बी कब्ज, सी कैंसर, डी पायरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पायरिया। आपका 19 नंबर सवाल है, दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके ऑप्शन है ए पथरी, बी कैंसर, सी बवासीर, डी सिर दर्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिर दर्द। आपका 20 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।